Hi everyone, welcome to Smilestone Academy. If you want to study tricks and tips of chemical reaction and their types, so stay tuned till end of this video. Hello students, in this video we have to study decomposition reaction and displacement reaction. In my previous video we have studied about combination reaction, exothermic reaction and endothermic reaction. Next chemical reaction is a decomposition reaction. By the name of this chemical reaction, we get some idea about this reaction, that is, something is going to decompose in this chemical reaction. So let us start the definition of decomposition reaction. In a decomposition reaction, a single compound breaks down to produce two or more similar substances. Now, just observe this diagram. Okay? तो यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट है, जैसे कि डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं देयर इज अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, ओके, देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट, ओके, दिस इज अ कंपाउंड, ये कंपाउंड है, तो कंपाउंड यू नो वेरी वेल देयर आर टू और मोर एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द कंपाउंड. तो यहाँ पर कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है और उस कंपाउंड के अंदर के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसी टाइप्स के केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन. ओके, सो हियर दिस कंपाउंड ब्रेक्स डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सब्सटेंसेस, दैट इज ए एंड बी. द डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट. डीकंपोजिशन रिएक्शन तभी होती है जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो, जब आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हो. ओके, अभी वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट के फॉर्म में हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है या फिर लाइट के फॉर्म में हो सकती है. तो तीनों के एक एक एग्जांपल्स हम देखेंगे कि हाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ओके, आई गेस दिस डायग्राम यू हैव सीन इन स्टैंडर्ड 9. ओके, electrolysis. When a substance is decomposed by passing electric current, the process is called electrolysis. यहाँ पर ये जो chemical reaction है, electricity pass करने से complete होती है. One simple example we have taken here, that is how water decomposed and converted into its constituents. यहाँ पर वॉटर का डीकम्पोजिशन आपको देखना है, तो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी वी हैव टेकन वन एपरेटस एंड इन दैट एपरेटस वी हैव टेकन वॉटर एंड इनसाइड द वॉटर वी डिप टू रॉड्स, दैट इज कैथोड एंड एनोड. एंड यू नो वेरी वेल कैथोड हैज नेगेटिव चार्ज एंड एनोड हैज पॉजिटिव चार्ज. तो इसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो यहाँ पर वॉटर का डीकम्पोजिशन होता है एंड वॉटर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स आयन जो होते हैं वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड पॉजिटिव मेटल आयन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड. ओके, एंड वॉटर डीकम्पोज्ड. सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कंप्लीट हो रही है हीट देने से. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called a thermal decomposition reaction. Heat देने से जो complete होती है उसको बोलते हैं thermal decomposition reaction. Here also we have taken one example, that is lead nitrate. Lead nitrate by giving heat, it decomposed and converted into its constituents, that is lead oxides, nitrogen dioxide and oxygen. By understanding more about this chemical reaction, we have to do this activity. It is very simple activity. Lead nitrate we have taken in a test tube and we are giving heat to the test tube. So what will happen? Lead nitrate decompose and convert into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. You can see oxygen is releasing by giving heat. Next chemical reaction is photochemical decomposition. डीकम्पोजिशन रिएक्शन फोटोकेमिकल से कैसे कंप्लीट होती है? यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. यहाँ पर हमने एक चाइना डिश लिया है और उस चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड लिया है. सो बेसिकली सिल्वर क्लोराइड हैज व्हाइट कलर, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट बिकम्स ग्रे. तो ये जो केमिकल रिएक्शन है सिल्वर क्लोराइड का डीकम्पोजिशन हो रहा है
और उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्शन हो रहा है, दैट इज सिल्वर एंड क्लोरीन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ड्यू टू सनलाइट, एंड उसका कलर भी चेंज हो रहा है, जो व्हाइट था वो ग्रे हो रहा है. व्हेन अ सब्सटेंस इज डीकंपोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड अ फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन. तो हमने डीकंपोजिशन के तीनों भी टाइप्स देख लिए है. हाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ हीट. सो अवर नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर रिएक्टेंट डिस्प्लेस होते हैं. अभी कौन सा रिएक्टेंट डिस्प्लेस होता है और कहाँ पर डिस्प्लेस होता है, वी विल स्टडी अबाउट दैट. इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस और रिमूव्स अनदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड. ओके, एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा. हियर जिंक इन सॉलिड फॉर्म रिएक्टेड विद कॉपर सल्फेट, they form zinc sulfate and copper get separated. If you observe this chemical reaction, यहाँ पर displace हो रहा है copper, तो आपको easily पता चलेगा कि copper is less reactive and zinc is more reactive. By the definition, you will understand more reactive element takes the place of less reactive element. तो यहाँ पर जो product form हो रहे, उस product से आपको पता चलेगा कि कॉपर का जो प्लेस है वो जिंक ने लिया है. इट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ओके, बट फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स डोंट नो द रिएक्टिविटी सीरीज, कौन सा मोर रिएक्टिव है कौन सा लेस रिएक्टिव है. फॉर दो स्टूडेंट्स देयर इज अ ट्रिक टू आइडेंटिफाई और टू कंप्लीट दिस केमिकल रिएक्शन, दैट इज फर्स्ट वाला जो एलिमेंट रहता है वो कभी भी इस कंपाउंड के सेकेंड एलिमेंट के साथ रिएक्ट होता है. एंड वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेम्बर इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कंपाउंड और एक एलिमेंट होता है लेफ्ट साइड में, और वो जो सिंगल एलिमेंट रहेगा वो ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स सेकेंड एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड. कंपाउंड का जो सेकेंड एलिमेंट है, अभी ये कंपाउंड हमने लिया है एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट में जो सेकेंड एलिमेंट है दैट इज सल्फेट. ओके, इस सल्फेट के साथ ये जिंक रिएक्ट हो जाएगा. दिस इज ट्रिक फॉर यू टू रिमेम्बर और टू कंप्लीट दिस केमिकल रिएक्शन. ओके, द अबव रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज गिवन बिलो. सेकेंड एग्जाम्पल वी विल स्टडी सिल्वर नाइट्रेट रिएक्टेड विद जिंक. Here also one compound and one element on left hand side. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो less reactive element होता है उसका place more reactive element ले लेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा more reactive और कौन सा less reactive है. So there is a trick which you have to apply to complete this chemical reaction. Now here zinc is a single element, so it always react with second element of the compound. Second element of the compound here nitrate. Okay, so zinc nitrate will form and silver gets separated in displacement reaction. Okay, the explanation of this chemical reaction is given below. In the above reaction, zinc is more reactive than silver, so zinc displaces silver from its solution. Okay, to motivate me to make more such interesting videos for you, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.